दोस्तों, लंग डिजीज़ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिससे दुनिया भर के लोग परेशान हैं। इसके लिए स्मोकिंग, इन्फेक्शन और जेनेटिक फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। और लंग से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेफड़ों में इन्फेक्शन। और आज हम आपको इसी प्रॉब्लम के होने की पांच सबसे बड़ी वजहों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें सबसे पहली है नाक की जगह मुँह से सांस लेना। कुछ लोग नाक के बजाय मुँह से सांस लेते हैं, ऐसे लोगों को लंग डिजीज सबसे ज़्यादा होती है। एक्चुअली मुंह से सांस लेते वक्त अनफिल्टर्ड एयर सीधे लंग्स तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। इसीलिए नाक से सांस लें। दूसरा है फल खाने के बाद पानी पीना। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक फल खाकर पानी पीने से लंग इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप भी फल खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। पसीने से लथपथ होने पर ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना। आपने भी सुना होगा कि पसीना सूखने के बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर कफ और वात दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, जो फेफड़ों में संक्रमण पैदा करता है। प्रदूषण और धुआं। धुएं और प्रदूषण वाली जगह पर ज़्यादा समय बिताना लंग इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है, और ऐसी जगहों पर मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है आईसीयू में बगैर मास्क के जाना। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो कभी भी आईसीयू में बिना मास्क पहने ना जाएं। इससे लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वे पांच बड़ी वजहें जो फेफड़ों में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।